क्या कह रहे हैं आप लोग? हे ईश्वर! हाँ प्रधानमंत्री जी, ये सच है। मैं अभी जाकर के दाह संस्कार रोकता हूँ और पूरी झांसी में ऐलान करता हूँ हमारे महाराज जीवित है। मैं इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हमें ये समाचार छुपा कर रखना होगा और महाराज को शीघ्र ढूंढने का प्रयास करना होगा। नहीं नहीं, हमें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। हम अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकते। यदि इन्हें पता चल गया कि हम लक्ष्मी बाई हैं, तो ये इसी अवस्था में यहाँ से चले जाएंगे। मैं गंगाधर राव, मैं अपने 11 गांव इन फिरंगियों को दे दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रानी, रानी, तुम गांव वाले ये समझते हो कि तुम हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गए? कहा हो तो मनु, लेकिन हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा और खजाना भी वापस नहीं कर रहेगा। ये गंगाधर राव हमारी खजपत्री है। ये मन्नू कौन है समर भैया? आप हमें पुकार रहे थे समर भाव? हाँ हाँ, हम तुम्हें ढूंढ रहे। परंतु ये मनु कौन है बताइए समर भाव? अरे हाँ, वो एक दुखियारी औरत थी। अच्छा ये बताओ, तुम घायल कैसे हो गई? हम तुम्हें घायल दिख रहे हैं कर्मा। तो फिर वैद्य के पास कहाँ गई थी? हमारे हाथ में मोच आ गई थी इसलिए। रानी, जरा इधर। दाल में कछु काला नहीं, सारी की सारी दाल ही काली है भैया। खाली हाथ मत लौटना दादा। महाराज के साथ हमारी मनु को भी साथ लेकर आना। काका, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जब हम वापस महल में लौट कर आए तो पूरी झांसी में दीपावली मनाई जाए। अवश्य। क्या बताते जी? रघुनाथ जी, मैं अपनी तलवार भूल गया हूं, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं लेकर आता हूं। अवश्य। हम यहां कैसे पहुंच गए? हम लेकर आए आपको यहां। कौन तुम? हमारा नाम राजा है। किस राज्य के राजा हो? हम इस जंगल के राजा हैं, इस धरती के राजा हैं। परंतु यह धरती तो हमारी है। थोड़ी सी हमारी भी है राजा। Each one of them thinks that they will rule Johnson, लेकिन ये नहीं जानते कि गंगाधर के डेथ के 48 आवर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जॉनसन के फ्रोन में अपने कब्जे में ले। हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करेंगे और ये फ्रोन हमारा होगा। 48 घंटे, समय बहुत कम रह गया है, हम महाराज को शीघ्र ही ढूंढ कर लाना होगा। हमने सुना है आपकी पत्नी ने आपके साथ विश्वासघात किया। तुम्हें कैसे मालूम? हमारी बातें भले ही महल तक ना पहुंचे, पर महल की बातें प्रजा तक पहुंची जाती है। और भ्रमिक बातें पहले पहुंच जाती है, सत्य में तो हमने महारानी के साथ विश्वासघात किया है। आपने उन्हें कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया? उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, यहां भी उन्हीं को ढूंढने के लिए आया था। हमने सुना था कि इस दल की मुखिया कोई लड़की है। अच्छा, एक बात बताइए महाराज, अगर उसी क्रांति दल की मुखिया आपकी महारानी हुई तो क्या आप ऐसी लड़की को महारानी के रूप में स्वीकार कर पाएंगे जो एक सशस्त्र क्रांति दल की मुखिया हो